लोकसभा चुनाव 2019 हारने के बाद कांग्रेस में फेरबदल का दौर आज भी जारी है। कुछ समय पहले कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने बीवी श्रीनिवास को भारतीय युवा कांग्रेस के पूर्णकालिक अध्यक्ष का पद सौंपा था। दो वर्ष पहले 11 मई 2018 को यह पद केशव चंद यादव को दिया गया था, लेकिन उनके बाद बीवी श्रीनिवास को उनकी जगह पर भारतीय युवा कांग्रेस का प्रमुख बनाया गया। आपको बता दें, बीवी श्रीनिवास को 29 जुलाई 2019 में भारतीय युवा कांग्रेस का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन 2 दिसंबर 2020 को उन्हें अध्यक्ष ही घोषित कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने श्रीनिवास को तत्काल प्रभाव से युवा कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की थी, जिसके बाद कांग्रेस की युवा इकाई के अंतरिम अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास को कुछ समय पहले संगठन का पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया था। आपको बता दें, पिछले वर्ष इस पद से केशव चंद यादव के इस्तीफे देने के बाद श्रीनिवास को जगह दी गई। सबसे बड़ी बात तो यह है कि श्रीनिवास राजनीति में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। अगर बात करें तो उन्होंने कहा, हम युवा कांग्रेस के माध्यम से युवाओं की आवाज़ उठाते रहेंगे और संगठन की मजबूती व पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आपको बता दें, कांग्रेस ने राष्ट्रीय सचिव और सोशल मीडिया प्रभारी वैभव वालिया ने दीपक खत्री, सुमित दुबे, के शास्त्री, मनु जैन और राज पटेल को संगठन का राष्ट्रीय संयोजक भी नियुक्त किया है। आपको बता दें, 48 वर्ष से श्रीनिवास ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत NSUI के सदस्य के तौर पर की थी। साल 2018 से लोकसभा चुनाव 2019 तक बीवी श्रीनिवास भारतीय युवा कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे थे। बीवी श्रीनिवास का जन्म 1980 में कर्नाटक के भद्रावती में हुआ। बीवी श्रीनिवास ने NSUI के सदस्य के तौर पर काम किया। बाद में वे भारतीय युवा कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष बने। उसके बाद जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर पदों पर रहे। जुलाई 2019 में उन्हें भारतीय युवा कांग्रेस का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।